तहरीक इंसाफ की टिकट का हकदार कौन, फैसला कल होगा। तहरीक इंसाफ कल से उम्मीदवारों को टिकटें देने का अमल शुरू करेगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास कल से शुरू होंगे। पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास 31 मई से 6 जून तक तलब और 3 जून को पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लाहौर के उम्मीदवारों का ऐलान जून के पहले हफ्ते में होगा। आपको बताते चले, तहरीक इंसाफ की टिकट का हकदार कौन होगा, फैसला कल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ कल से उम्मीदवारों को टिकट्स देने का अमल शुरू करेगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास कल से शुरू होंगे। कल फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ की टिकट्स का हकदार कौन होगा। तहरीक इंसाफ कल से टिकट्स देने का अमल शुरू करेगी। पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास 31 मई से 6 जून तक तलब किए गए हैं और 3 जून को पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लाहौर के उम्मीदवारों का ऐलान जून के पहले हफ्ते होगा। लाहौर के 14 कौमी और 30 सूबाई हलकों के इंटरव्यूज भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर के 4 हलकों में गुज़श्ता इंतखाबात जीतने वालों को टिकट देने का फैसला कज़ाफी भट्ट से जानेंगे। जी कज़ाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पार्लियामेंट बोर्ड्स के जो इजलास हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं और 31 मई से जो है ये 6 जून तक जो है वो जारी रहेंगे और इसके अंदर 2 से 3 जून तक जो सुबह लाहौर और पंजाब के जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका ऐलान होगा। लाहौर के उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो 14 कौमी और 30 सूबाई असेंबली के जो हल्के हैं उनमें इंटरव्यूज मुकम्मल किए गए हैं और 4 हल्कों में जो गुज़िश्ता इंतखाबात में जीतने वाले हैं उन्हें टिकट देने का जो है वो हतमी फैसला किया गया है। जबकि इस तरह बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं, शहर हैं, उनके भी जो है नामों का ऐलान जो है 4 जून और 5 और 6 जून को जो है वो किया जाएगा। इसके अंदर तमाम सिफारिशात जो हैं वो तैयार कर ली गई हुई हैं। इसके अंदर जो हमारे पास तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक जो है कौमी और सूबाई असेंबली के जो 420 उम्मीदवारों की जो है वो सिफारिशात की गई हैं इसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट, आप हमें